चलो सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं इस वीडियो के माध्यम से नंदुरबार दंगल के बारे में थोड़ा सा और जानकारी देना चाहता हूँ। एक्चुअल में बंटी भाई ने हम लोगों को नंदुरबार बुलाया, मेरे जरिए उन्होंने पहलवानों से मुलाकात की और पहलवानों को कुश्ती के लिए बांधा। जैसे आकाश पहलवान नाथोपुर गांव से, और जैसे जीतू पहलवान गुरु श्यामलाल घिटौरनी से, विक्रम पहलवान जो है कि आगरा से हैं, फिरोजाबाद से, इसी तरह हैप्पी है पहलवान नाथोपुर से, और पवन पहलवान है हरियाणा से, और जया एक लड़की है भोपाल से। तो ये सब लोग मेरे कांटेक्ट के पहलवान हैं। और बंटी ने बोला कि इन पहलवानों को आप लेकर आइए, और बंटी ने इन पहलवानों के लिए इनाम तय किया, और इन पहलवानों का खाना खर्चा और आने जाने का किराया भी वादा किया कि वो देंगे। तो बंटी ने दंगल करवाया और बहुत अच्छा दंगल रहा, और सभी पहलवानों ने कुश्तियाँ लड़ी और बड़ा शानदार प्रदर्शन किया। और उसके बाद देखिए बंटी ने क्या किया कि बंटी ने हमें कहा कि आप, मेरे पास पैसे नहीं हैं और आपके मैं अकाउंट में डाल दूँगा दो दिन के अंदर, अभी अकाउंट में मेरे पास पैसा है, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो हमने कहा बंटी भाई ठीक है, हम आपके दोस्त हैं, हम आप पर यकीन करते हैं, मित्र हैं आपके, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो उसके बाद बंटी ने कहा, हमने बंटी से कहा कि क्योंकि हम दिल्ली से आए हैं और हमने अपना खर्चा जो जेब से लेकर चले थे वो ख़त्म कर दिया हमने, तो आप हमें तो किराए का जाने का दे दीजिए। तो बंटी ने कहा कि मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ, मेरा कोई मित्र है वो सूरत में आपको पैसा दे जाएगा, आप सूरत चले जाइए। तो हम लोग सूरत पहुंच गए ट्रेन से। ट्रेन से पहुंचकर हमने 7-8 बजे शाम को बंटी को फ़ोन किया, बंटी भाई हम पहुंच गए हैं। तो बंटी की वाइफ ने फ़ोन उठाया और उसने कहा
कि बंटी जो है सोया हुआ है। हमने बहुत मिन्नतें करी कि बंटी से एक बार बात करा दीजिए, तो बंटी ने कहा कि भाई मैं सो रहा हूँ और मेरे कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, आप कैसे भी करके दिल्ली पहुँचिए। तो हम बहुत परेशान हुए, तो हमारे साथ बहुत पहलवान थे, वो भूखे भी थे, खाना भी खाना है, पहलवानों को पता है आपको कि खाना बड़ा ज़रूरी है, और फिर टिकट भी लेनी है हमको, और फिर हम 24 घंटे ट्रेन में रहेंगे, तो उसके दौरान भी हमें कुछ खर्चा चाहिए। तो और ATM में 2000 रुपये निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे, हम पूरे सूरत में घूमते रहे ATM में लेकिन पैसा नहीं निकाल पाए, 2000 रुपये निकाल पाए। तो फिर हमने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, नंदुरबार के बड़े अच्छे लोग हैं जैसे लक्ष्मण भाई हैं, उनको हमने बोला भाई हम लोग फंस गए, बंटी ने हमारे साथ ऐसा कर दिया है। तो लक्ष्मण भाई ने थोड़ा सा पैसा जो है वहाँ पर हमें पहुँचाया, मैं लक्ष्मण भाई का बड़ा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस प्रकार हम कुछ अपना निकाल के कुछ कैसे भी करके हम लोग जैसे तैसे दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचने के 1, 2, 3, 4 दिन तक मैं बंटी का इंतजार किया, वो कहता मैं पैसे डालूँगा पहलवानों के अकाउंट में, लेकिन उसके बाद उसने मना कर दिया। तो मैंने बंटी को कहा कि बंटी ये तो बात अच्छा नहीं है ब्रदर, आप जितना दिखते थे उतने नहीं हो, और जैसा आपने किया है वो बहुत बुरा बर्ताव है पहलवानों के साथ में, आपको पैसा देना चाहिए उनका। तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ लिख सकता हूँ। तो मैंने फेसबुक में जब लिखा तो बंटी को गुस्सा आया, वो गाली गलौज करने लगा और कह रहा मैं कंप्लेंट कराऊंगा, तुम मेरे घर में चोरी कर दिए, पता नहीं क्या क्या बोलने लगा, गालियां देने लगा। चलिए मैं तो, मेरे को तो बंटी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो पहलवान हैं जिनके लिए बंटी ने, बंटी के दंगल में जिन्होंने दंगल किया है और कुश्ती लड़े हैं, और ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, बंटी ने ऑफ़र किया दंगल में लड़ने का और उन्होंने दंगल में लड़कर उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया, वो एग्रीमेंट पूरा किया, उस एग्रीमेंट से बंटी मुकर गया है। तो ये एक गैरकानूनी बात भी है और ये एक कुश्ती और दंगल की परंपरा का जो एक परंपरा को तोड़ने वाली बात भी है, और पहलवानों का पैसा खाने वाले बंटी की मैं तो तहे दिल से निंदा कर ही रहा हूँ। बाकी पहलवान भी देखिए, पवन पहलवान था, उसको बंटी ने बोला मैं 25,000 तेरे को दूंगा और तू कुश्ती लड़। अब पवन पहलवान अपनी गाड़ी चलाता है, एक टैक्सी चलाता है, अब वो अपनी टैक्सी का काम छोड़ के पहलवानी में एक बार फिर दोबारा प्रैक्टिस करने लगा, उसने प्रोटीन ले लिया, खाना खाने लगा, ये लगा, उसे बहुत खर्चा आने जाने का। अब बंटी ने उसको धोखा दे दिया तो कितनी बुरी बात है। अब आगरा के हमारे विक्रम पहलवान हैं, 5 भाइयों के अकेले भाई हैं वो, उनके पिताजी बड़ी मुश्किल से उनको पहलवानी करा रहे हैं, अब इतनी दूर आना जाना, तो कुछ उम्मीद लेकर पहलवान गया होगा। अब जीतू पहलवान है, देखिए कितनी समय से पहलवानी कर रहा है, एक बड़ा शानदार पहलवान है, ऊँचे कद का पहलवान है, और ऐसे पहलवान के साथ ऐसा बर्ताव करना शोभा नहीं देता। इसी तरह आकाश पहलवान है, बच्चा है हैप्पी जो है, वो भी देखने के लिए आया था कि कैसे महाराष्ट्र के दंगल होते हैं, उसके दिल को क्या महसूस हुआ होगा जब उसके साथ ये किया होगा। तो हालांकि नंदुरबार के लोगों ने, महाराष्ट्र की जनता का इसमें कोई कसूर नहीं है, नंदुरबार के लोग बहुत अच्छे हैं, महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारी मदद की, हर तरफ हमें घुमाया फिराया और हमारा मान सम्मान किया, उन लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं एक बार फिर बंटी से कहता हूँ कि बंटी, पहलवानों के पैसे खाना अच्छी बात नहीं है, आप उनके पैसे लौटाइए, और मेरा पर्सनली बंटी से कोई लेना देना नहीं, मैं कुश्ती का काम निस्वार्थ करता हूँ, मुझे मेरा पर्सनली कोई बंटी से लेना देना नहीं है, ना मुझे बंटी से कुछ रुपया पैसा चाहिए या कोई दुश्मनी है। बंटी ने 3-4 साल पहले मुझसे दोस्ती करी, वो कई बार मेरे गाँव आया, मैं भी उसके घर गया, हम लोग साथ में उठे बैठे, मैंने उसको पंजाब में गोलू पहलवान जी, कुलतार पहलवान जी या इनसे मुलाकात करवाई, दिल्ली में राजेंद्र पहलवान से या हरपाल पहलवान से मुलाकात करवाई। तो बंटी ने एक गलत काम और किया कि वो जब हम उसके घर में गए तो उसने बम पटाखे जलाए और बड़ा मान सम्मान किया, फूल की मालाएं पहनाई और फिर हमें टेबल पर बिठा के एक बोतल वाइन का ला के हमें दे दिया कि आप थके हुए हो, एक एक पैग लगा लो। तो हमारे साथ पुराने गुरु खलीफा थे, वो अपना खाते पीते हैं, तो मेरे को भी ज़बरदस्ती बोल दिया, मैं एक पैग लगाने लगा तो बंटी ने फ़ोटो खींच के वो रख लिया। तो वो फ़ोटो बंटी फेसबुक में या व्हाट्सएप पे वायरल करके या मतलब उनको दिखा के दिखाना चाहता है कि मेरा करेक्टर ख़राब है। दोस्तों मैं 10 साल से पहलवानी के लिए काम कर रहा हूँ, कोई ऐसी दंगल कमेटी है या कोई ऐसा आदमी है जिससे मैंने पैसे मांगे हो? मेरी वेबसाइट कुश्ती रेसलिंग में 4 चीज़ें हैं, फ़ोटो है किसी भी इवेंट की, वीडियो है,
हिंदी और इंग्लिश में न्यूज़ है उसको बनाने के लिए बड़ा समय चाहिए होता है। मैं दिन भर दंगलों में अगर कवरेज करता हूँ तो शाम को आके उनको अपलोड करता हूँ या रिपोर्ट्स बनाता हूँ। इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर किसी दंगल कमेटी ने मुझे कोई मान सम्मान में 1,500 रुपये दे दिए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कभी मांगे भी नहीं। तो ये मेरा कोई काम धंधा नहीं है, मैं कुश्ती को प्रचार के लिए काम कर रहा हूँ कि कुश्ती या खेल स्पोर्ट्स जो है आगे आएंगे और कुश्ती का नाम होगा। जहाँ मैंने जब से इंटरनेट शुरू हुआ है तब से कुश्ती का प्रचार करना चालू किया, मैंने पहलवानों के अकाउंट खोले फेसबुक में और बड़े मुश्किल से इस चीज़ को इंटरनेट पर लाया। आज मेरे दोस्तों में जिनमें गुरदीप भाई है या जो गणेश भाई है महाराष्ट्र में या फिरोजाबाद में विक्रम पहलवान है उनके फैमिली है, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कुश्ती के लिए मेरे साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने इंटरनेट पर कुश्ती का खूब प्रचार कर दिया है। तो आज कुश्ती की हर खबर आप व्हाट्सएप ग्रुप में या इंटरनेट में या कहीं ना कहीं आप देखते हैं। तो इतना मैंने काम किया है, लेकिन मेरे काम का मैं ये नहीं कहता कि मैंने किसी से मोल मांगा, ये तो एक अमूल्य काम है, लेकिन जैसा बंटी ने किया वैसा भी ठीक नहीं करा। तो मैं सिर्फ अपने इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि भगवान बंटी को सद्बुद्धि दे। महाराष्ट्र के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, नंदुरबार के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना और आपने मेरा वीडियो देखा। ये वीडियो मैंने पहलवानों का जो अपलोड किया है और उसके बाद में ये मुझे मजबूरन ये वीडियो ऐड करना पड़ा उन इस पहलवानों की वीडियो के साथ में, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरी मजबूरी थी चीज़ों को क्लियर करना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर इस कुश्ती और वीडियो को देखने के लिए, और धन्यवाद। और मेरा चैनल देखिए अनसुईया 1974, और हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप कुश्ती के वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।